ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बुरहानपुर जिले के कई खरीदी केंद्रों में चना और गेहूं खरीदी का खाता नहीं खुल पाया है, जिसके कारण हमालों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। समर्थन मूल्य पर बुरहानपुर जिले में चना और गेहूं खरीदी शुरू हुए करीब 10 दिन हो गए हैं। मंडी में किसानों को उपज का पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे खरीदी केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं। रेणुका मंडी के 2 खरीदी केंद्रों सहित अन्य खरीदी केंद्रों में अभी तक खरीदी के लिए खाता नहीं खुल पाया है, जिसके कारण यहाँ हमाल बेरोजगार हो गए हैं। वहीं उनके परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। बाहर मार्केट ज्यादा है। कितना मार्केट मिल रहा है बाहर? 2200, 2250, 2300। और यहाँ पर केंद्र द्वारा कितना दिया जा रहा है? 2125। इस कारण अभी तक खरीदी नहीं हो रही। हाँ, वो स्लॉट बुक कर नहीं रहे, किसान बाहर ही बेच दे रहे। कब से खरीदी चालू हुई है गाँव की? गाँव की 25 तारीख। अभी तक कोई नहीं पहुँचा? अभी कोई नहीं। समस्या ये है सर कि 23 तारीख से खरीदी चालू हुई है चना की, और 25 से अपनी गेहूँ की। तो गेहूँ खरीदी चालू होने से पहले जो हमारी पीटीएस की गाड़ियाँ आ रही थी उसको बंद करवा दी गई है। तो ये हमाल बेरोजगार बैठे हुए, त्योहार का महीना चल रहा है, इनको रोजी रोटी नहीं है, और ये जो चना भी कोई ज़्यादा आ नहीं रहा है। 1200, 1300, 3500 हमाल इनके पूर्ति हो नहीं पा रही है। कितने दिन हो गए हैं हमाल बेकार बैठे हुए मंडी? बेकार बैठने को समझ लो 10-12, 12-13 दिन हो गए। सर मंडी में जो है नीलामी में गेहूँ को अच्छे दाम मिल रहे, 2250, 2300, 2325, 2400 क्वालिटी देख के, और यहाँ गवर्नमेंट ने खरीदी में 2125 का भाव है, इसलिए किसान यहाँ नहीं पहुँच रहे, क्योंकि यहाँ पे तुलाई में खर्चा आ जाएगा। वहाँ तो एक ही दिन में पूरा आदमी निपट जाता है, यहाँ बहुत खर्चा आएगा लाने को इसको। और एक बात है, जो किसान ने कर्जा उठाया उसका कर्जा कट जाएगा, मार्केट में बेच के उसका पैसा आ जाएगा, उसके दूसरे काम में आ जाएगा, और मार्केट में अच्छे दाम मिल रहे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।